सभी किसान भाइयों को पाथ ऑफ एग्रीकल्चर की ओर से नमस्कार। आज हम आए हैं गुजरात के साबरकांठा प्रांतिज हम गांव में आए हैं और प्रांतिज में भी हम कल्पेश भाई पटेल के यहाँ पे आए हैं, जिसके हम आगे भी ADV 1400 नंबर और फ्लावर के डिटेल वीडियोस हमने बनाए हैं। तो आज हम कहेंगे नमस्कार कल्पेश भाई। नमस्ते। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे ब्रोकोली, आपने देखी होगी अभी यहाँ पे, इनके यहाँ पे चार अलग अलग कलर्स के फ्लावर है, उसमें छः कलर में फ्लावर है। उसमें से आज हम पहले देखेंगे ब्रोकोली के, ये एक ब्रोकोली होता है रमेस्को, जो उसका एक टाइप है, उसके बारे में जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप देख सकते हो ये रमेस्को ब्रोकोली है, जैसे आप ज़रा पास से भी देखिए। तो ये कौन सी वैरायटी है, क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे? वो ब्रोकोली की पेडिटी है और कच्चा खा सकते हो उसको। कच्चा खावा माटे सर वो 120 दिन की वैरायटी है, 100 से 120 दिन में वो तैयार होता है। वो 100 से 120 दिन में वो 1 kg का होता है, वो अच्छा साठ सकते हो आप, बहुत बढ़िया टेस्ट में, बहुत बड़ा बढ़िया है। और ये कौन सी कंपनी की है ये अभी वैरायटी? वो क्लाउड, वो विजवान कंपनी का है, विजवान। तो ये एक ब्रोकोली का एक टाइप होता है, रमेस्को टाइप, शंख वाला। इसको शंख वाले के नाम से आप ही जानते हैं। और इसका ऐसे 120 दिन की वैरायटी है, 100 से 120 दिन की वैरायटी, 100 के 120 दिन में। तो इसका टाइमिंग कब है, कब लगा सकते हैं इसको? वो मतलब कि ब्रोकोली निकलता है तभी निकलता है। वो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब हेल्थ वाली वैरायटी सब वो जनवरी में चालू होती है, सब जनवरी फरवरी में चालू होती है। जनवरी फरवरी में इसको लगाना है, तो नर्सरी उसका दिसंबर में, 10वें महीने में नर्सरी डालनी था उसको, 11वें महीने में आप लगा सकते हो, प्लांट उठा के 11वें से पहली जनवरी कब तक लगा सकते हैं? जनवरी मार्च तक क्वालिटी अच्छा निकलती है, मार्च के बाद ये अच्छी नहीं निकलती। और इसका एवरेज ऐसे देखे तो वेट वगैरह कितना ही निकलता है? अभी इसका वेट 500 से 500 साढ़े 700 के ऊपर है। अच्छा, यदि अभी वो छोटा है, अभी बड़ा होगा तो 1 kg ऊपर जाता है। और ये क्या रेट इसका क्या रहता है? वो अभी शुरुआत है, मेरे हिसाब से वो 1 piece 100 rupees से कम नहीं बिकेगा। 1 piece 100 rupees से 100 rupees का। अच्छा, और इसमें जो लगाने का डिस्टेंस है, इसमें पत्ते देख सकते हो आप, इसमें बहुत हाइटेड है, एकदम देखिए अभी यहाँ तक की हाइट हो चुकी है इसकी, कम से कम 3 feet, तीन फुट पे होती है, इतनी हाइट होती है। तो ये कितने डिस्टेंस में लगाना होता है, प्लांट टू प्लांट ऐसे देखिए? वो 16x16 के आप लगा सकते हो उसको, 16x16। और इसमें कॉलीफ्लावर की तरह इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या? ट्रीटमेंट उसको स्प्रे नहीं करने का, मतलब कि कोई स्प्रे नहीं, उसको जीवात नहीं लगती ज़्यादा, जीवात लगती ही नहीं है। अच्छा, यानी कि पेस्ट कंट्रोल में एकदम कोई पैसा ही नहीं इसमें? वो पेस्ट नहीं लगाना है उसको, कुछ लगता नहीं है, कोई जीवात उसको लगती नहीं है, वो ब्रोकोली में नहीं लगती, उसको भी नहीं लगती। और इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो हम खाद डालते हैं उसमें कौन कौन सा, कितना डाला है आपने, किस हिसाब से डाला? अभी सोने ठाचा भरी थी पहला, गोबर डाला था इसमें, फिर थोड़ा मैंने स्प्रे किया था, फॉस्फोरस का स्प्रे किया था, नाइट्रोजन का स्प्रे किया था। और इसमें क्या चीज़ें सादा ध्यान रखने की बाबत है? कुछ नहीं, वो पहाड़ी जाते। अच्छा, हाँ। पहाड़ों में लगती है वो वैरायटी, और उसका सोप बहुत बढ़िया निकलता है, बहुत बढ़िया है वो, तो हम देख ही सकते हैं कि इसका एकदम कच्चा खा सकते हो आप। कच्चा खाने के लिए सबसे ज़्यादा इसको सलाद वगैरह में यूज़ किया जाता है। अभी मैंने सब्जी नहीं बनाया उसका, लेकिन कच्चा खाने में बहुत मिठास है उसमें। अच्छा, तो इसी प्रकार के और भी अलग अलग कलर्स है, एक तो वेलेंटीना है जो पिंक कलर में आता है, फिर है कैरोटीना जो हाँ वो केसरी कलर, जामली कलर, और ऑरेंज कलर में भी आता है,
उसके बारे में भी हम देखेंगे आगे।